तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बताएंगे कौन सा बैक टू माय चैनल। ओ हेलो, ये मेरा चैनल है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। किसका चैनल है? इसका नहीं है, ये मेरा चैनल है। इसका चैनल तो है लेकिन उसका चैनल पर्सनल आप जाके देख सकते हो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये अनिकेत पांडे मेरा चैनल। हेलो गाइस, हेलो गाइस कर रहा है। तो वीडियो में मैं आपको, चल हेलो गाइस कर दिया तो एक बार फिर से कर ही दे। हेलो गाइस, हेलो। तो इसका चैनल देख लेना, मैं भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू चीज़ लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मेरे कॉलेज में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो हम मशीन वगैरह यूज करते हैं, मैं इसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मोस्टली आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी जो नहीं हो पाएगा वो आगे और भी वीडियोज में आता रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखना और बताना ये वीडियो कैसी लग रही है, इसमें कितनी नॉलेज मिली आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इनक्यूबेटर। तो इसका क्या यूजेज है, इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें क्या मिला, बैड एंगल। ओह मिरेकल, मिरेकल। तो पहले हम इसको खाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बताएंगे। चलो। तो पहले हमें बैड एंगल खाने हैं, उसके बाद कुछ करना है। उस वक्त भी आ गए, देखो क्या ये, क्या मतलब ये क्या है, उसी में से निकाल के खा रहा है इनके बेटर में से। बस कर भाई, सारा खा जाएगा। ये घर से भाग के आए हुए हैं ये। रो मत, कुछ नहीं होगा। नर्सिंग में इसको आज दाने को नहीं मिला तो रो रहे हैं। इनक्यूबेटर के बारे में बताने वाला हूँ मैं। इनक्यूबेटर हमारा ये यूज होता है पेटीज और समोसे के लिए। हम इसमें अपना पेटी समोसा, हम जो लंच वगैरह डालते हैं उसको रख के हम हीट कर सकते हैं और गर्म गर्म खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ भी, कुछ भी। तो हम बात करते हैं उसको, उसके ऊपर जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, हम माइक्रोबियल ग्रोथ उसको किल कर देते हैं, स्टेलाइज कर देते हैं। इसके अंदर हम अपने सारे ग्लास वगैरह रखते हैं, तो ये उसके लिए यूज होता है इनक्यूबेटर। ग्लास वाटर डिस्टिलेशन यूनिट जो मेरे पीछे आप साथ में देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये इसमें है कि जो बॉटल है वो बिल्कुल प्योर डिस्टिल्ड होके आपको ये रिसीवर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये अभी प्रोसेस इसका चल रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो पाइप यहाँ से कनेक्ट है, आप देख रहे हैं ये ऊपर टैंकी से जो वाटर आ रहे हैं कनेक्ट है, ये कंडेंसर से ये इवेपोरेट होकर जो उसका वेपर्स है वो उसके थ्रू यहाँ पर आपको रिसीवर में मिल जाएगा। बाकी थोड़ा आप इससे दूर रहना ही सही समझे, क्योंकि अगर ये टूटा तो भी एक सेमेस्टर की फीस मतलब मुझे देना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, अभी आपको और इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ। बाकी जब ये स्टार्ट हो जाएगा कैसे वो डिस्प्ले होता हुआ आ रहा है, उसके पेपर्स जो बन रहे हैं वो इस वीडियो में आपको दिख जाएगा, वो एंड में दिखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है ये। तो अभी मैं आपको और इंस्ट्रूमेंट, हमारा ऑटोक्लेव सेकेंड नंबर पर जो है ये, मैं आपको कैमरा आगे करके दिखा देता हूँ ये यूज क्या है इसका। इसको देख के आपको समझ आ गया होगा, इसके अंदर हम मोमोज बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी मोमोज बनेंगे इसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी स्टरलाइजेशन के लिए है। इसके अंदर हम स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, जो रैप वगैरह करके जैसे हमें बीकर या पैटी डिश वगैरह में जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ हमें हटानी है तो उसको हम कवर करेंगे न्यूज़ पेपर या जो भी बटर पेपर है उसके ऊपर रख के, और उसके अंदर हम मतलब जो प्लेट है इसके अंदर हम रख लेंगे। और यहाँ हमारा जो स्विच है, स्विच हम ऑन करेंगे, हम यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर देंगे। टेम्परेचर सेट करते ही इसमें से मतलब ये सेफ्टी के लिए दे रखे हैं, अगर ज़्यादा मतलब प्रेशर हो जाए तो यहाँ से ये सेफ्टी ट्यूब है, मतलब प्रेशर हमारा आउट हो जाएगा। बाकी ये भी स्टरलाइजेशन के लिए है, ये बिल्कुल मतलब इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको हमें बंद करना होगा, तो मतलब जब टाइटली बंद करना होता है तो ये स्टरलाइजेशन के लिए है। इनक्यूबेटर भी था वो भी स्टरलाइजेशन के लिए, ये भी स्टरलाइजेशन के लिए है। ऑटोक्लेव नाम है इसका। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें हम जो भी हमारी स्लाइड वगैरह होती है ये सब हम उसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे सेट करेंगे, जो भी हमारा मिरर वगैरह जितना भी हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मतलब और भी माइक्रोस्कोप आते हैं डिजिटल माइक्रोस्कोप, और वो और भी बड़े होते हैं, वो इसमें इस लैब में नहीं है, वो आगे इंडस्ट्री वगैरह में है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
पीछे देखो, पीछे तो देखो। हमारा मैग्नेटिक स्टेरॉइड विद हॉट प्लेट, ये मेनली यूज होता है जैसे अगर हम कोई छोटी चीज होती है जैसे पेट्री डिश है, पेट्री डिश हम इसके ऊपर रख देंगे। अब उसके ऊपर हम जैसे उसको राउंड करना होता है, मतलब उसको शेक नहीं कर पाएंगे ठीक से, उसको स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके ऊपर हम पेट्री डिश रख देंगे और नीचे इसके मैग्नेट है ताकि वो जो राउंड राउंड है मैग्नेट जैसे वो राउंड राउंड उसमें मिक्स होता रहेगा, जो भी इसके अंदर हम केमिकल वगैरह जो भी इसमें रहेगा वो मिक्स होता रहेगा। तो ये पेट्री डिश अगर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, स्टेरॉइड के लिए मैग्नेटिक इसके नीचे लगी होती है। ये हमारा मेनली यूज होता है टू टाइप्स के लिए, जैसे ये है कूलिंग के लिए और हीटिंग के लिए। ये देख सकते हैं ये हीटिंग के लिए, ये कूलिंग के लिए है। और ये जो दे रखा है डिजिटल है, ये डिजिटल है, इसमें मतलब डिजिटल आपको इसमें मतलब जो मेजरमेंट है यहाँ बता देगा, और ये जो आपकी जो नीडल है ये ऊपर होती रहेगी। बाकी ये इसमें और सेफ्टी मेजर्स दे रखे हैं ताकि इसमें कोई भी तरह के माइक्रोब अंदर एंटर ना करे, ये तो ऑन करके दिखा दिया, ये चेक स्टार्ट हो गया। तो ये कूलिंग के लिए और हीटिंग के लिए है, इसके अंदर हम अपना ऑपरेटर रख सकते हैं, लॉक कर देते हैं इसको, बिल्कुल ये बिल्कुल सेफ हो गया, ये इसको हम बंद कर देंगे। तो इसके अंदर जितना भी टाइम हमारा लगेगा, जितना भी हम टाइम को सेट कर देंगे कितने टाइम तक है, तो ये इसके लिए हमारा बीओडी इंक्यूबेटर। तो नेक्स्ट हमारा है हीटिंग मेंटल, इसमें ज़्यादातर हम जो जैसे हमारा बीकर है अगर हमें उसको हीट करना है, हम इस पर बर्नर पे ना रख के हम इसके ऊपर रख के नॉर्मल ग्लास रोड से इसको हीट कर सकते हैं, हमें एक सूटेबल टेम्परेचर इस पर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ये टेम्परेचर के लिए, और इसके अंदर हम हीट कर सकते हैं। ये भी बहुत मतलब आपको मेडिकल मतलब जो कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ही अच्छा है हीटिंग के लिए। बाकी इसमें हम अपना हाथ वगैरह भी गर्म कर सकते हैं जब भी सर्दियाँ चल रही है। तो ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे मेरे सारे कॉलेज में ही अवेलेबल है। बाकी अभी आपको अनिकेत भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएगा, तो अभी आप वो देखिए। तो ये है हमारा पीएच मीटर, इससे ये डिजिटली है, इसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है NaCl का, सबसे पहले इसको चेक करते हैं न्यूट्रली, फिर इसमें आ जाती है एक रीडिंग जो न्यूट्रल पर रहती है, उसके बाद हम इसको सैंपल में डालते हैं, उसके बाद सैंपल की जो रीडिंग जैसे हमें 7 तक लानी है तो उसके हिसाब से अगर ज़्यादा हो रही होती है तो फिर HCl डालते हैं, और अगर कम हो रही होती है फिर NaOH डाल के न्यूट्रलाइज करते हैं उसको। तो ये उसी काम आता है बस pH बताने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है फ्यूमिंग चैम्बर, ये फ्यूमिंग चैम्बर मेनली यूज़ होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, जिसमें से मतलब अलग तरह की रिएक्शन या गैस निकलती है, तो ये इस फ्यूमिंग चैम्बर में परफॉर्म होता है, जो कि इस एरिए में ऐसा होगा कि जो परफॉर्म कर रहा होगा सिर्फ वही होगा, और यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे हमें जैसे प्रॉपर तरह के ग्लव्स मास्क सब कुछ ये बियर करना पड़ेगा कि जो भी रिएक्शन है कहीं वो स्टूडेंट पे ना हो जाए। ये ऐसा है कि रिएक्शन ऐसी है, यहाँ पे हम रिएक्शन मतलब वो परफॉर्म करेंगे, बाकी जो भी गैस वगैरह वो ऊपर से आउट हो जाएगी। तो ये फ्यूमिंग चैम्बर इसलिए बना रखा है, इस एरिए में बस वही करेगा जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, और साथ उसके मतलब जो स्टूडेंट है या पार्टनर है वो साथ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है हॉट एयर ओवन, इसमें भी हम आलू के पेटीज, पनीर पेटीज, समोसे, लंच अपना गर्म कर सकते हैं, बट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह थे इसकी वजह से नहीं करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ड्राई हीट यूज़ होती है, और जो मैंने आपको पहले दिखाया था ऑटोक्लेव में उसमें मॉइस्ट हीट होती है, तो इसके अंदर भी ये स्टेरिलाइजेशन के लिए है। इसमें हम अपने ग्लासवेयर रखेंगे, जो भी हमारा बीकर या बर्नर नहीं, ये ग्लास रोड, इसके अंदर ये ट्रे है, इसके अंदर हम रखेंगे, और इसमें हम टेम्परेचर अपना सेट कर देंगे ऑन ऑफ, ये हाई मीडियम टेम्परेचर अपना कंट्रोल कर लेंगे यहाँ पे, और ये उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो ये हॉट एयर ओवन है, स्टेरिलाइजेशन के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एक ये हमारा आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसमें हम अपना वेट करते हैं केमिकल को, और आपने ये 11th-12th की क्लास में भी देखा होगा अपने लैब्स वगैरह में स्कूल में, कि जो वेट है ये हम ऑन करेंगे, हाँ वेट इसका मतलब आ जाएगा हमें 0.6 ग्राम या जैसा भी हमें केमिकल चाहिए, तो हम इसके ऊपर वेट करेंगे, जैसे ये इसकी ये रीडिंग आ रही है ऐसे हम वेट करेंगे। इसके ऊपर हम बटर पेपर रख देंगे,
देन उसके बाद हम वेट मेजर करके अपना स्टार्ट कर देंगे अपना। भाई मैंने भी आपको लास्ट बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा जो लास्ट सबसे बढ़िया है जिससे मेरी केमिस्ट्री की फीस जा सकती है भाई, डिस्टिल्ड वाटर का डिस्टिलेशन यूनिट। अब इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि वाटर कैसे बॉयल हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो वाटर है, वाटर तो टैंक से मतलब ये पाइप से जा रहा है, ये एंटर हो रहा है ये कंडेंसर के थ्रू, जो इसके वेपर्स बन रहे हैं वो देखिए यहाँ से साथ के ड्रॉप बाय वेपर्स नीचे गिर रहे हैं। और ये बिल्कुल प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें किसी भी तरह के मतलब इसमें मिनरल्स नहीं है और कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह, प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर है। और जितने भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं या आप देख रहे हैं जैसे ये बॉटल्स हैं, ये सब डिस्टिल्ड वाटर से इसके अंदर इसको ही यूज़ किया जाता है ताकि वो हमें कोई एरर वगैरह हमारे प्रैक्टिकल्स में ना आ जाए। तो हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये, कितना ही मतलब इसका थोड़ा मतलब लार्ज का अपरेटस है आप देख रहे हैं जैसे। अभी मैंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिखाए ये मेरे मतलब यूज़फुल है, मैं इसको यूज़ भी करता हूँ रेगुलर मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। बाकी अभी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने यूज़ भी नहीं किए, मतलब नाम तो पढ़ा है सुना है टीचर्स ने बढ़ा रखा उसके बारे में, बट अभी यूज़ नहीं किया है। वो अभी हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में उसका यूज़ करेंगे। हमारे नीचे जो कॉलेज में बेसमेंट है उसमें और भी तरह के मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं, जैसे बॉल मिल जितने भी तरह के मिल्स हैं वो भी मैं आपको और वीडियोज़ में दिखाऊँगा। तो जितना हो सका मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है, तो बताना ये कैसे मतलब आप लोगों ने पहले देखे थे, या अगर फार्मेसी स्टूडेंट है उसको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। बाकी आप वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और इन्जॉय क्या करना है, इसमें आपको नॉलेज मिलेगी कि ये किस में यूज़ हो रहा है। और आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को ऐसी कोई बात नहीं। और कैसी वीडियोज़ बनाऊँ मैं फार्मेसी से रिलेटेड, आप मेरे को एक बार कमेंट में आके बताएँ। और जो मेरे साथ अभी वीडियो बना रहा है उसका तो सबसे पहले थैंक यू करूँगा अनिकेत का, और जो स्टार्टिंग में आया था उसके लिए सॉरी। बट उसका जो चैनल है मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके इसकी ब्लॉग्स देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और मज़ेदार होती है। तो उसका लिंक जाके देख लेना, उस पर सब्सक्राइब भी कर लेना, और मेरी वीडियो कैसी देखनी ये भी आके बता देना, और वीडियो मैं कैसी लाऊँ बनाऊँ ये सब कमेंट में आके बता देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।